अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स दोस्तों, प्राइस एक्शन की बेसिक ही ये है कि आपको चार्ट अच्छे से रीड करना आना चाहिए। और चार्ट अच्छे से रीड करने का मतलब ये है कि ये जो डिफरेंट किस्म की कैंडलस्टिक्स आपको इस वक्त चार्ट पर दिखाई दे रही हैं, इन सब कैंडलस्टिक्स को, इनके बिहेवियर को, इनके एक्शन को, इनके रिएक्शन को आपको पढ़ना और समझना आना चाहिए। यहाँ तक तो बात ठीक है। इन सब बातों के बावजूद आपको ट्रेडिंग में लॉसेस ही ज़्यादा क्यों होते हैं? पता है क्यों होते हैं? क्योंकि इस वक्त भी आप चार्ट पर 40 से 50 मुख्तलिफ किस्म की कैंडलस्टिक्स को देख रहे होंगे, और हम ये कोशिश करते हैं कि हर कैंडलस्टिक का क्या बिहेवियर है, इसके बनने के बाद मार्केट किस तरह रिएक्ट कर सकती है, मुझे अपनी ट्रेडिंग को किस तरह से इस कैंडलस्टिक के बाद, इस कैंडलस्टिक के बाद प्लान करना चाहिए। यानी हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आप खुद सोचें, जब आप 50 डिफरेंट किस्म की कैंडलस्टिक्स और उनके एक्शंस और रिएक्शंस को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे, तो जब भी कभी आप मार्केट में ट्रेडिंग लेने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप 50 मुख्तलिफ किस्म के सेटअप्स को अपने जहन में घुमा फिरा रहे होंगे। अब जब 50 मुख्तलिफ किस्म के सेटअप्स आपके जहन में घूम फिर रहे होंगे, तो इसका जाहिरन नतीजा निकलेगा कि आप अक्सर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे, क्योंकि आप इतनी ज्यादा इंडिकेशंस को बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे कि उसकी वजह से अक्सर आपको कंफर्मेशन मिलने से पहले ही आपके हाथ से ट्रेड निकल चुकी होगी। और जब आप फ्रस्ट्रेशन में ट्रेड लगाएंगे, तो हो सकता है वो मार्केट का एग्जॉशन पॉइंट हो और वहीं से प्राइस रिवर्स हो जाए, बजाय आपको प्रॉफिट होने के आपको लॉस हो गया। आज हम दोस्तों इसी कॉम्प्लिकेशन को कम करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको ये बताने, समझाने, पढ़ाने और दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप सिर्फ 5 या 6 किस्म की मुख्तलिफ कैंडलस्टिक्स को याद कर लें, उनके एक्शंस को, उनके रिएक्शंस को याद कर लें, समझ लें, पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें, तो यकीनन आपके विनिंग परसेंटेज में, विनिंग ऑड्स में इजाफा हो सकता है, आपके लॉसेस में सिग्निफिकेंटली कमी हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, आपको इन 50 किस्म के मुख्तलिफ कैंडलस्टिक्स और इनके एक्शंस या रिएक्शंस को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर काफ़ी अरसे से मेरे साथ अटैच हैं, तो आपको आइडिया होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं, तो मैं अपने चार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करता हूं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि मैं अपने दिमाग पे कम से कम बोझ डालूं। मैं RSI मुझे क्या इंडिकेट कर रही है, मुझे MACD क्या इंडिकेट कर रहा है, मुझे ऑसिलेटर्स मूविंग एवरेजेस मुझे क्या कह रही हैं, इतनी ज़्यादा सेटअप्स को अगर मैं अपने जहन में जगह दूंगा ना दोस्तों, तो फिर मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। क्योंकि जब मैंने अपने ट्रेडिंग सेटअप का पार्ट ये बना रखा है कि मुझे 50 इंडिकेटर से जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, मैं ट्रेड एंट्री नहीं लूंगा, तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा ट्रेड्स आप मिस करेंगे। बिल्कुल यही चीज़ अप्लाई होती है दोस्तों चार्ट को रीड करने में। अगर आप इन तमाम किस्म की मुख्तलिफ साइजेस एंड शेप्स की कैंडल्स को, उनके एक्शंस को, उनके रिएक्शंस को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें ओवर कॉम्प्लिकेट होंगी। आज हम जिन कैंडलस्टिक का हमने इंतखाब किया है, उनमें से सबसे पहली कैंडलस्टिक जो हमने आपके लिए चूज की है, उस वो कैंडलस्टिक है लॉन्ग कैंडलस्टिक। ये वाली कैंडलस्टिक, इस तरह की लॉन्ग कैंडलस्टिक्स, इस तरह की लॉन्ग कैंडलस्टिक्स, ये जब चार्ट के ऊपर बनती हैं, तो आपने इनको कैसे रीड करना है? अगर ये डाउन डायरेक्शन में बन रही हैं, तो आपने इसको कैसे रीड करना है? अगर ये अप डायरेक्शन में बन रही हैं, कोई ग्रीन कलर की कैंडल अप डायरेक्शन में बन रही है, तो वो किस जगह पे जाकर बन रही है? क्या वो स्टार्ट पे बन रही है, या वो मिडल में बन रही है, या एंड पे बन रही है? इसी तरह से रेड कलर की अगर कोई कैंडल बन रही है, तो क्या वो स्टार्ट में बन रही है या कहीं एंड पे जाके बन रही है? तो इनकी टाइमिंग्स और इनकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। लेकिन ये बड़ी कैंडल, ये लॉन्ग कैंडल हमारी कैंडल नंबर 1 है,
जिसे आप मेमोराइज कर लें तो इसकी बुनियाद पर भी आप मार्केट में होने वाली तब्दीलियों को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ट्रेडर्स, ये इस तरह की कैंडल को हम क्या कहते हैं, जनरली इस तरह की कैंडल को हम मोमेंटम कैंडल कहते हैं। ये हमें शो करता है कि मार्केट में इस वक्त प्राइस किसकी फेवर में जा रही है या जा सकती है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ग्रीन कैंडल किसी ट्रेंड के बॉटम पे नजर आए, इस तरह की मोमेंटम कैंडल, तो ये पॉसिबल रिवर्सल इंडिकेशन होती है। लेकिन अगर ये एक अप ट्रेंड के मिडल में नजर आती है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड मजीद कंटिन्यू कर सकता है अपनी इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर भी आपका सवाल पैदा हो सकता है कि यहाँ पर भी तो ये इस तरह की एक हमें मोमेंटम कैंडल दिखाई दी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने रिवर्स क्यों लिया? क्योंकि दो ट्रेडर्स, आप ये देखें कि ये जो एरिया था, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था प्राइस के लिए, और इसको अगर हम कंटिन्यूएशन समझें भी तो प्राइस ने थोड़ा सा तो कंटिन्यू किया है। लेकिन अभी हम इस कैंडल के बारे में भी पढ़ेंगे कि इस तरह की कैंडल का क्या मकसद और क्या मतलब होता है। लेकिन इस कैंडल के बाद आप देखें कि इस मोमेंटम कैंडल के बाद जब ये कैंडल बनी, तो उसने हमारी सोच का अंदाज ही बदल दिया। तो मैंने आपको बताया कि हम इस कैंडल के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन खैर कंक्लूसिवली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब किसी ट्रेंड के मिडल में जहाँ करीब करीब कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट इस तरह की ना मौजूद हो, आपको इस तरह की मोमेंटम कैंडल एक अप डायरेक्शन में नजर आ रही है कि प्राइस ऑलरेडी डायरेक्शन उसकी अप है। ये देखें अपने हाईज को, वो लोज को अपने अप कर रही थी ना, उसकी डायरेक्शन ऑलरेडी अप है, और आपको इस तरह की कोई मोमेंटम कैंडल नजर आ गई है, तो उसकी बुनियाद पर आप अपनी ट्रेड एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। एटलीस्ट रेजिस्टेंस लेवल तक तो प्राइस जरूर चली जाएगी वहां से जहां इस वक्त प्राइस है। बिल्कुल इसी तरह से आप देखेंगे कि जब हमारे पास एक मोमेंटम कैंडल किसी भी, अब मोमेंटम कैंडल की मैंने आपको एग्जांपल बता रखी है कि उसकी जो वीक है डाउन कैंडल की सूरत में, टॉप से थोड़ी सी वीक होगी लेकिन बॉटम से उसकी वीक, आप इस कैंडल की सूरत में देखें के बॉटम से उसकी वीक ना होने के बराबर होगी या बहुत थोड़ी होगी, ये मोमेंटम शो करता है। और जब आपको ऐसी कैंडल्स चार्ट पे नजर आती हैं और करीब तरीन कोई रेजिस्टेंस लेवल भी नहीं नजर आ रहा, ये देखें रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा दूर था, तो आप यहाँ से एक ट्रेड अपनी प्लान करके इस रेजिस्टेंस लेवल तक एटलीस्ट अपनी ट्रेड लगा सकते थे। अब आप इसको मोमेंटम कैंडल नहीं कहेंगे दोस्तों, चीजों को मिक्स नहीं करना। ये रेड कैंडल जो है, इसके बॉटम पे देखें आपको वीक नजर आ रही है, तो ये मोमेंटम कैंडल नहीं है। ये तो प्राइस ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई लेकिन उसको बॉटम से रिजेक्शन मिल गई, बाहर आ गया बॉटम पे मार्केट में। तो जब भी बड़ी बड़ी कैंडल्स को या अमूमी कैंडल्स को, जनरल कैंडल्स को बॉटम से वीक रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाती है, तो ये भी हमारे लिए एक इंडिकेशन होता है कि प्राइस का जो ट्रेंड जा रहा है वो शायद रिवर्स होने वाला है। इस वाली ग्रीन कैंडल को मैंने मोमेंटम कैंडल क्यों कहा था, अगर आप गौर से देखें तो इसके टॉप पर जो वीक है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। इसी तरह से इसकी भी जो वीक है टॉप से, वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। इसकी भी जो वीक है वो इस कैंडल की निस्बत जो थी, इस कैंडल की निस्बत एटलीस्ट ज्यादा है। तो ये हमारे लिए एक मोमेंटम कैंडल नहीं है, ये मोमेंटम कैंडल है हमारे लिए। इसी तरह ये हमारे लिए मोमेंटम कैंडल है, ये हमारे लिए मोमेंटम कैंडल है। तो मोमेंटम कैंडल की इंडिकेशन क्या होती है कि उसकी एक साइड से वीक होगी, अप डायरेक्शन की सूरत में उसकी वीक जो है वो बॉटम से ज्यादा होगी और टॉप से कम होगी, डाउन कैंडल की सूरत में या रेड कैंडल की सूरत में उसकी टॉप से वीक ज्यादा होगी और बॉटम से वीक कम होगी। सो ट्रेडर्स, दूसरी तरह की कैंडल स्टिक्स जो आपको याद रखने की जरूरत है वो है इस तरह की छोटी छोटी कैंडल्स। ये आपको दिखाई दे रही है ये तीन कैंडल्स, इस तरह की छोटी छोटी कैंडल्स भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं चार्ट के ऊपर। जनरली लोग इनको कंसीडर नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है इनको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल्स होती हैं जो खास तौर पे आपको ये इंडिकेशन देती हैं कि ट्रेंड जो है वो पॉसिबली एग्जास्ट हो गया है और यहाँ से किसी भी वक्त प्राइस जो है वो रिवर्स ले सकती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि देखें यहाँ पर भी तो ये छोटी छोटी कैंडल्स बनी लेकिन प्राइस तो रिवर्स नहीं हुई, नीचे गिर गई। यहाँ पर भी ये छोटी छोटी कैंडल्स बनी, प्राइस रिवर्स नहीं हुई, मजीद कंटिन्यूएशन में चली गई। यहाँ पर भी ये एक कैंडल बनी लेकिन प्राइस मजीद कंटिन्यूएशन में चली गई। देखें
यही डिफरेंस तो आज हमने पढ़ना और समझना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो मोमेंटम कैंडल है या जो लॉन्ग बॉडी कैंडल है, उसकी भी पढ़ने और समझने और उसके एक्शन और रिएक्शन को देखने और उसके मुताबिक अपनी ट्रेड एंट्रीज को प्लान करने की अपनी कुछ शरायत हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं। इसी तरह से ये छोटी कैंडल्स की भी अपनी कुछ शरायत हैं। पहली बात ये कि सिंगल अगर आपको एक छोटी बॉडी कैंडल नजर आए तो वो कोई मायने नहीं रखती, दो भी हो जाए तो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन अगर तीन, एटलीस्ट तीन या तीन से ज्यादा एक सीरीज में कैंडल आपको मिल जाए, मैं जरा चीजों को थोड़ा क्लियर कर दूं, एक सीरीज में आपको छोटी बॉडी की तीन या तीन से ज्यादा कैंडल्स अगर मिल जाएं, सीरीज का क्या मतलब है कि ना तो उन्होंने हाई को अपने ज्यादा एक्सटेंड किया हो, ना उन्होंने लो को अपने ज्यादा एक्सटेंड किया हो, बल्कि एक रेंज में, एक साइडवेज मूवमेंट में वो कैंडल्स जो हैं आपकी शॉर्ट बॉडी कैंडल्स आपकी बन रही हो, एक साइडवेज मूवमेंट में। तो ये इंडिकेशन होता है आपके ट्रेंड की पावर के एग्जॉस्ट होने का, आपके ट्रेंड के मोमेंटम के एग्जॉस्ट होने का एक साइन होता है। आपने ये सीरीज ऑफ कैंडल्स भी अपने चार्ट पर ढूंढनी है, जहां कहीं आपको नजर आए आप रिवर्सल के लिए फौरी तौर पे तैयार हो जाएं। और रिवर्सल इस सूरत हाल में आपने कैसे लेनी है कि जो उस सीरीज ऑफ कैंडल के करीब तरीन का आपके पास जो भी कोई स्विंग हाई होगा या रेजिस्टेंस लेवल होगा, उसके ब्रेक होने का इंतजार करें। अगर कोई हैवी मोमेंटम कैंडल, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हैवी मोमेंटम कैंडल इस सीरीज को ब्रेक करके और ऊपर चली जाती है, तो आपने उसके साथ अपने वॉल्यूम्स को कंबाइन करके, वॉल्यूम्स को कैसे कंबाइन करना है मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी हुई है, आप वो वीडियो मेरे जाके चैनल पर देख सकते हैं, वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन के नाम से मैंने वीडियो बना रखी हुई है। आप उसके साथ वॉल्यूम कंबाइन करें और उसके बाद आप अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान कर लें। ऐसी सूरत हाल में आपका स्टॉप लॉस जो होता है वो इस सीरीज ऑफ ये जो छोटी छोटी स्मॉल कैंडल्स हैं इनके बॉटम पे कहीं पे भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और आपका जो टेक प्रॉफिट होता है वो नियरेस्ट स्ट्रक्चर लेवल होता है। अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छा स्ट्रक्चर लेवल है तो इस सूरत में आपका ये नियरेस्ट टेक प्रॉफिट एरिया होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है या नेक्स्ट स्टॉप हो सकता है प्राइस के लिए, तो फिर आप अपना टीपी यहाँ तक लेकर जा सकते हैं। तो ये दूसरी किस्म की कैंडलस्टिक्स थी जिनको आपको याद रखना चाहिए, उनके एक्शन और रिएक्शन पर आपने कैसे ट्रेड एंट्रीज को प्लान करना है ये भी हमने स्टडी किया। इसके बाद बारी आती है हमारी तीसरी कैंडलस्टिक की, और तीसरी कैंडलस्टिक जो है जो हमें जिस पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम 40-50 कैंडलस्टिक की एक्शंस और रिएक्शंस पर फोकस करें, तो तीसरी कैंडलस्टिक जो है हमारे पास वो इस तरह की डॉजी कैंडल होती है। डॉजी कैंडल, आई मीन टू से डॉजी कैंडल, लेकिन ऐसी डॉजी कैंडल, आपने अक्सर डॉजी कैंडल्स देखी हैं, ये भी एक डॉजी कैंडल है, आप जानते ही होंगे, लेकिन ये भी डॉजी कैंडल्स होती हैं। ऐसी कैंडल्स जिनकी विक्स या शेडोज जिन्हें आप कहते हैं, वो एक साइड पे ज्यादा और एक साइड पे कम हो, लेकिन उनकी बॉडी बहुत छोटी हो, ऐसी डॉजी कैंडल्स को हमने याद रखना है और समझना है। मैं थोड़ा सा चार्ट को मजीद बड़ा करता हूँ और दोबारा आपको बताता हूँ कि ऐसी कैंडल जिसका एक तरफ से शेडो या विक बड़ा हो और दूसरी तरफ से शेडो या विक उसकी छोटी हो और उसकी बॉडी भी छोटी हो, इस तरह की कैंडल, या ये देखें इस तरह की कैंडल, ये भी डॉजी कैंडल है। हम इस तरह की डॉजी कैंडल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये भी आपकी काइंड ऑफ डॉजी कैंडल ही है, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है। तो तीसरी हमारी ये कैंडल है दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती हैं, इनकी सिग्निफिकेंस जो है वो भी लोकेशन के हिसाब से डिफर करती है। अगर एक डाउन ट्रेंड में आपको इस तरह की डॉजी कैंडल एट द बॉटम ऑफ ए डाउन ट्रेंड मिल जाए, तो ये एक एक्सट्रीमली गुड रिवर्सल सिग्नल होता है प्राइस के लिए। लेकिन ऑब्वियसली मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक अकेली कैंडल स्टिक जो है वो ट्रेड एंट्री लेने के लिए काफ़ी नहीं होती, आपने उसके बाद कोई ना कोई कंफर्मेशन लास्ट में देखनी होती है। तो इस तरह की कैंडल अगर आपको बॉटम पर किसी स्ट्रक्चर लेवल पर किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आपको मिल जाती है, कौन सी कैंडल जिसकी बॉटम से
मैं चीजों को दोबारा क्लियर करूं, ऐसी डॉजी कैंडल जिसकी बॉटम से वीक बढ़ी है, ठीक है, वो अगर आपको किसी ना किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल गई है तो आपके लिए ट्रेड एंट्री लेने का क्या तरीका कर रहा है कि इसके फौरी बाद आप एक रिजेक्शन कैंडल देखें, यानी आपको अप डायरेक्शन में, क्योंकि आप रिवर्स लेने लगे हैं ना डाउन ट्रेंड के बाद, आप एक रिवर्सल एंट्री प्लान करने लगे हैं। तो जब आपको आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे इस तरह की डॉजी कैंडल नजर आएगी जिसकी बॉटम से वीक बड़ी होगी, टॉप से वीक छोटी होगी और बॉडी उसकी बहुत छोटी होगी, तो आपने इसके बाद कंफर्मेशन क्या लेनी है कि आपको एक ग्रीन कैंडल जरूर मिलनी चाहिए जो इसका टॉप ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज हो। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये आपकी ग्रीन कैंडल है जिसने इस पिछली बॉडी कैंडल का टॉप ब्रेक करके उसे ऊपर जाके क्लोज हुई, इसके क्लोज पर ही आप अपनी ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसके बॉटम से थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल जो भी आपका है वो आपका टेक प्रॉफिट एरिया हो सकता है। लेकिन अगर ये डॉजी कैंडल्स आप देखें दोस्तों इन द मिडल ऑफ नोवेयर आपके पास आ रही हैं तो इनका कोई मायने नहीं है, ये कोई रेजिस्टेंस लेवल, कोई सपोर्ट लेवल नहीं ना था जहां पर ये डॉजी कैंडल आपको मिली, तो इसका कोई मकसद नहीं है। ये कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल नहीं था जहां पे आपको ये डॉजी कैंडल मिली, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको एक ऐसी डॉजी कैंडल आपको अपने सपोर्ट लेवल पे मिल जाती है, अपने सपोर्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाती है, कैसी डॉजी कैंडल, ऐसी डॉजी कैंडल जिसकी टॉप से वीक ज्यादा है और बॉटम से वीक थोड़ी हो और उसकी बॉडी ना होने के बराबर हो, अगर ये आपको टॉप पे नजर आए, इसके बाद आपने इसी तरह की जो हमें यहाँ पर नजर आ रही है एक सेल कैंडल देखनी है। हमें सपोज करते हैं ये हमें वो वीक मिल गई है डॉजी कैंडल, इसके बाद आपको एक सेल कैंडल मिलनी चाहिए लाजमी। अगर जैसे ही आपको सेल कैंडल मिले उसके बंद होने के बाद सेम टाइम फ्रेम में रहेंगे आप, टाइम फ्रेम भी अपना चेंज नहीं करेंगे, इसके क्लोज होने पर आप इमीडिएटली अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपकी इस डॉजी कैंडल के टॉप से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। तो ये तीसरी कैंडल है दोस्तों जो आप चार्ट पर जिसको मेमोराइज कर सकते हैं, जिसको याद रख कर आप अपनी इसके एक्शन और इसके लोकेशन को मेमोराइज कर लें, इसके तमाम इफ्स एंड बट्स को मेमोराइज कर लें। जब आप कर लेंगे तो ये यकीनन आपको अच्छी ट्रेड ऑप्शंस प्रोवाइड करेगी। ये जो डॉजी कैंडल्स होती हैं ना जिनको अभी हमने डिस्कस किया है, ये एक्चुअली रिवर्सल कैंडल्स भी कहलाती हैं। तो डॉजी कैंडल्स जो होती हैं वो एक्चुअली रिवर्सल कैंडल्स होती हैं। अगर आपको ये किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलती हैं तो इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, इनको इग्नोर नहीं करना। चौथी तरह की कैंडल जो आपने जिसको फोकस करना है चार्ट के ऊपर, वो इस तरह की कैंडल होती है, ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी भी सिग्निफिकेंट हो, छोटी ना हो, बड़ी बॉडी हो, टॉप से उसकी वीक थोड़ी हो या बिल्कुल भी ना हो, और एक साइड से उसकी जो वीक है वो बॉडी का एटलीस्ट 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये कैंडल हमें ये शो करती है कि जो ट्रेंड ऊपर से चला आ रहा है उस ट्रेंड में अब फॉर द टाइम बीइंग, मतलब ये नहीं होता है कि बस ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, फॉर द टाइम बीइंग इस ट्रेंड में अब जान नहीं रही। तो बीइंग ए डे ट्रेडर हमें तो एक डे ट्रेडिंग एंट्री लेनी होती है ना यार, हमें जब पता चला इस तरह की कैंडल हमें कहीं पर नज़र आई, हमने अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान किया और अपना जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट था वो प्रॉफिट लिया और मार्केट से निकल गए। लेकिन अगर इस तरह की कैंडल आपको किसी खास स्ट्रक्चर लेवल पे नज़र आए तो ये एक साइन ऑफ रिवर्सल भी होता है। तो ये तो थी आपके पास एक डाउन ट्रेंड की एग्जांपल कि उसमें आपको एक छोटा सा पुल बैक मिला इस कैंडल की सूरत में, ऑल्दो ये हमारी जिस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली उसके अंदर फिट इन नहीं होती है, बट दिस इज़ काइंड ऑफ दैट कैंडल। अब हम एक ऐसी एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं, आप ये देखें, ये वाली कैंडल देखें, आप ये वाली कैंडल देखें, ये वाली कैंडल देखें जिस पे टॉप से आपको वीक रिजेक्शन मिलती है, लॉन्ग वीक आपकी टॉप से होनी चाहिए, ये भी उस तरह की कैंडल एक्चुअली नहीं है। मुझे अब चार्ट पे मिल नहीं रही दोस्तों, मैं क्या करूं आपके लिए, ये तकरीबन वही कैंडल है, ये देखें आप, लॉन्ग वीक है और बॉटम से, यस ये हमें कैंडल मिल गई, बॉटम से हमारे पास वीक नहीं है या बहुत थोड़ी है और बॉडी इसकी 50% से नीचे नीचे होनी चाहिए,
यानी 50% पे लाजमी वीक होनी चाहिए टॉप से या बॉटम से। और अगर ये किसी खास स्ट्रक्चर लेवल पे आपको मिल गई है तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। आपने जैसे ही ये कैंडल आपको मिलती है, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि प्राइस जो करने की कोशिश कर रही है, सेलर्स उसको वो करने नहीं देना चाहते, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ ऐसी वीक की जो टॉप से हो। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी, आपने इस कैंडल के क्लोज होने पे अपनी सेल एंट्री प्लान करनी है, और नियरेस्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल या स्ट्रक्चर लेवल जो भी आपका होगा वो आपका नेक्स्ट टीपी लेवल होगा। तो इस तरह की दोस्तों ये हमारी चौथी कैंडल थी जिसमें मैंने कहा आपको लॉन्ग वीक कैंडल या टॉप से या लॉन्ग वीक कैंडल बॉटम से आपको इस तरह की कैंडल्स को चार्ट पर देखना है, पढ़ना है, समझना है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के करीब करीब। आपको आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के करीब करीब इस तरह की कैंडल मिलती है तो आप अपनी ट्रेड एंट्री को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। पांचवी कैंडल हमारी जो है वो दोस्तों वो इस तरह की कैंडल होती है, जो ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है। ऐसी कैंडल, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो रेड है, ऐसी कैंडल जिसकी बॉटम से भी विक ज़्यादा हो और जिसकी टॉप से भी विक बड़ी हो, ये कैंडल्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये कैंडल्स भी आपको रिवर्सल सिग्नल देती हैं। अब ये देखें, ये कैंडल आपको मिली इस डाउन ट्रेंड के बॉटम पर। इस कैंडल ने तब से अब तक आप देखें प्राइस का ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर दिया और आपने एक अच्छी खासी मूव को इनकैश किया यार। तो बेसिकली अगर इस तरह की कैंडल आपको किसी डाउन ट्रेंड के बॉटम पे मिलती है तो आपने जस्ट करना क्या है, इस कैंडल के टॉप का, विक के भी टॉप का देखें ब्रेक होने का इंतज़ार किया। मैंने, ये मेरी विक थी, इसके टॉप का मैंने ब्रेक होने का इंतज़ार किया, वापस रीटेस्ट का इंतज़ार करें। देखें सेम लेवल से ही आपको आपकी बाय एंट्री मिली थी, उसी सेम लेवल से जो इसकी विक का टॉप था। इसी तरह इस तरह की कोई टॉप से या बॉटम से वीक रिजेक्शन वाली कैंडल अगर आपको किसी सपोर्ट लेवल के टॉप पर इस तरह से मिलती है, रेजिस्टेंस लेवल के सॉरी टॉप पर आपको मिलती है, जहां पर इस तरह से एक बड़ी वीक कैंडल आपको मिल जाए, टॉप से वीक है बॉटम से वीक है, आप उसके ब्रेक होने का इंतज़ार करें और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड एंट्री प्लान कर लें, जैसे हमने यहाँ पर किया उसके ब्रेक होने का, और उसके रीटेस्ट पर आप अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान कर लें। तो इस तरह की कैंडल आपने फिर अगेन मैं कहूँगा इन बिटवीन नहीं कहीं देखनी, ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के आसपास होनी चाहिए। ये हमारा स्विंग लो था ना, ये हमारा सपोर्ट लेवल था। प्राइस जब वापस इस सपोर्ट को टेस्ट करने आई, एक मैनिपुलेशन उसने ली, स्टॉप लॉस आपके उसने ग्रैब किए, और ग्रैब करने के बाद उसने आपको बता दिया कि भाई मेरी इंटेंशन जो है वो ऊपर जाने की है। दोस्तों ये चार पांच किस्म की अगर आपने कैंडल स्टिक्स और उनके एक्शंस और उनके रिएक्शंस और उनके बिहेवियर को पढ़ना समझना सीख लिया, और आपने ये सीख लिया कि इनकी इम्पोर्टेंस चार्ट पर किस एरिया पर होगी, ये जगह जगह बनती नजर आएंगी, लेकिन हर कैंडल आपके लिए हर लोकेशन पे इम्पोर्टेंट नहीं होती है। आपने इनको इम्पोर्टेंस लोकेशन के हिसाब से देनी है। अगर आप ये चार पांच कैंडल्स दोस्तों याद कर लें तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।